अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूँ आज हस्ब मामूल आपके साथ डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 13 मार्च 2020। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्पेस एक्स सक्सेसफुली रीलॉन्च्ड इन ऑर्बिटल रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 13 मार्च 2017। व्हाट नेम वाज ऑफ द रॉकेट, यानी आज ही के दिन स्पेस एक्स ने रीलॉन्च किया था ऑर्बिटल रॉकेट 2017 में, तो उस रॉकेट का नाम क्या था? ऑप्शन ए फाल्कन 7, बी फाल्कन 8, सी फाल्कन 9, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा सी फाल्कन 9। इट वॉज फर्स्ट एवर रीफ्लाइट ऑफ एन एंटायर ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बाय एनीवन इन द वर्ल्ड। तो ये पहली मर्तबा था जो रीफ्लाइट हुआ था सेटेलाइट जो है ऑर्बिटल सेटेलाइट रॉकेट, तो ये दुनिया में फर्स्ट टाइम जो हुआ वो 2017 में स्पेस एक्स ने जो है इसको रीलॉन्च किया था और जो रॉकेट था उसका नाम था फाल्कन 9। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ स्पेस एक्स? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया यूएसए, बी वाशिंगटन डीसी, सी न्यूयॉर्क, डी नन ऑफ दीज। ए। कैलिफोर्निया यूएसए। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ट्रेडिंग इज स्पेस एक्स इज अ प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी। द स्पेस एक्स इज वॉज फाउंडेड ऑन 6 मई 2002। तो ये इसका जो बुनियाद रखा गया या ये जो बनी थी वो 6 मई 2002 को बनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स? ऑप्शन ए एलोन मस्क, बी ग्वेनी शॉर्टवेल, सी जस्टिन विल्सन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ए एलोन मस्क। He is a citizen of South Africa, United States of America and Canada. He is an engineer, industrial designer and technology entrepreneur. He is founder and incumbent chief executive officer of SpaceX. Gwynnie Shotwell is the current president of SpaceX. क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस एंड अदर यूरोपियन अलीस फॉर्म्ड तबुका टास्क फोर्स टू काउंटर मिलिटेंट्स इन व्हिच रीजन। ऑप्शन ए इराक, बी सोमालिया, सी साहिल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा सी साहिल। साहिल इज लोकेटेड बिटवीन द सहारा एंड कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट अफ्रीका। This force would join armies of Mali and Niger in early 2021 to fight the terrorist groups in the region. Question number 5, which country's state finance minister committed suicide after coronavirus hitting the economy? Option A, France, B, Spain, C, Germany, D, none of these. तो इसका सही जवाब होगा C, Germany. Thomas Schaefer was found dead near a railway track on 28th March 2020. He was deeply worried over how to cope with the economic fallout from the coronavirus. बहुत ही ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थे थॉम्स, तो ये बहुत ही अफसरदा थे, बेचैन थे, पैनिक थे कि जो कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी। और इसने जो है वो
according to reports, suicide kar li. Question number 6. Princess Maria Teresa became the first royal family member died owing to COVID-19. She belongs to which country? Option A, UK, B, France, C, Spain, D, none of these. तो इसका सही जवाब होगा C, Spain. She belongs to Spanish royal family. She was a socialist activist earning the nickname Red Princess. तो इसका जो nickname था वो Red Princess था. She was born on 28th July 1933 and died on 26th March 2020. Question number 7. Which country's lab claimed to test coronavirus within a 5 minute? Option A, UK, B, USA, C, Italy, D, none of these. तो इसका सही जवाब होगा बी, यूएसए. द टेस्ट लॉन्च्ड बाय एबट लेबोरेटरीज इज अ पोर्टेबल टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट एनी हेल्थ केयर टेस्टिंग. द कंपनी प्लान्स टू सप्लाई 50,000 टेस्टेस अ डे. तो एक ही दिन में जो है ये 50,000 जो है इन्होंने कहा है कि वो टेस्ट कर सकेंगे. तो बस आज की वीडियो में इतना ही. इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें तमाम जितने भी आपके दोस्त हैं, ताकि ये हमारी एफर्ट्स, हमारी नॉलेज उन तक पहुँच सके. So thanks for watching and see you again tomorrow.